नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 पर। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह कुशवाहा। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। चित्रकूट में श्रद्धालुओं पर हुई पुष्प वर्षा, 4 से 5 लाख के श्रद्धालुओं के पहुंचने की थी संभावना। 400 से ज्यादा पुलिस कर्मी तैनात। चित्रकूट में सोमवती हरियाली अमावस्या में चित्रकूट डीएम अभिषेक आनंद और एसपी वृंदा शुक्ला ने श्रद्धालुओं के ऊपर रामघाट मंदाकिनी किनारे हेलीकॉप्टर पुष्पों की वर्षा की है। हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा चित्रकूट में पहली बार हुई है। सोमवती अमावस्या में यातायात प्रभारी की लापरवाही के चलते श्रद्धालुओं को जाम का जाम झेलना पड़ा है। करबी से सीतापुर तक भीषण जाम लगा हुआ है। उधर कामतानाथ परिक्रमा मार्ग के बगल में खोही से श्रीरामपुर रोड पर भीषण जाम लगा है, जिसके चलते श्रद्धालु एवं स्थानीय लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सावन की सोमवती अमावस्या पर लाखों की तादाद श्रद्धालु चित्रकूट पहुंचेंगे। आस्था की डुबकी मंदाकिनी नदी में लगाकर भगवान कामदगिरी पर्वत परिक्रमा करेंगे। उन्हें बता दें कि 4 से 5 लाख श्रद्धालु पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। सोमवती अमावस्या को लेकर प्रशासन ने तैयारी की पूरी। 8 जोन और 16 सेक्टर के मजिस्ट्रेट की तैनाती है। 400 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। 2 दिनों के लिए जिले में भारी वाहन का भी प्रवेश बंद किया गया है। इस संबंध में सदर एडीएम राजबहादुर सिंह ने बताया कि हेलीकॉप्टर से सुबह 7:30 बजे पुष्प वर्षा UPTI तिराहे से शुरू हुई। प्रशासन ने भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। वहां से होते हुए पुष्प वर्षा हिमरोही अखाड़ा से होकर रामगढ़ मंदाकिनी किनारे की गई। उन्होंने बताया कि इसके बाद वापस पुष्प वर्षा करते हुए हेलीकॉप्टर UP 30 तिराहा से पीली कोठी रोड पर पुष्प वर्षा करते हुए गई। उन्होंने कहा कि ये पुष्प वर्षा चित्रकूट डीएम अभिषेक नंद और एसपी विनोद शुक्ला द्वारा की जाएगी। उधर अमावस्या को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने भी चाक चौबंद की व्यवस्था कर ली है। भीड़ भाड़ इलाके पर CCTV कैमरे तैनात हैं। चित्रकूट SDOP आशीष जैन ने बताया कि भीड़ भाड़ इलाके पर CCTV कैमरे तैनात कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 400 पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी लगा दी गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट जोनल मजिस्ट्रेट भी तैनात हैं। चित्रकूट में पहली बार की गई हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। भारत मंदिर के महंत दिव्य जीवन दास ने बताया कि हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा ये चित्रकूट पहली बार की गई है। ये पुष्प वर्षा को लेकर संत समाज बहुत ही उत्साहित है। उन्होंने कहा इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संत समाज की ओर से हमें धन्यवाद देना चाहते हैं। आप देख रहे हैं दिनेश सिंह कुशवाहा की खास कवरेज। किस तरह से चित्रकूट में श्रावण के मास में इसका महत्व है, किस श्रद्धालुओं को आने के लिए? ये श्रावण मास की सोमवती अमावस्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि इसी अमावस्या के दिन ही भगवान राम को और तुलसीदास जी को अपनी मनोकामनाओं की संपूर्ति हुई थी। भगवान का दर्शन तुलसीदास जी को यही रामघाट में कलयुग में प्राप्त हुआ था। और ये श्रावण मास जो भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है, और उसमें भी सोमवती अमावस्या का संयोग बहुत ही दुर्लभ संयोग है, हरियाली अमावस्या भी है, तो इसके साथ ही अधिक मास का भी शुभारंभ होने जा रहा है, इस प्रकार से ये दुर्लभ संयोग पड़ा है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जनता जनार्दन ये मानते हुए कि भगवान राम की इच्छाओं की संपूर्ति, तुलसीदास जी की मनोकामनाओं की पूर्ति चित्रकूट में ही हुई, तो इसलिए हमारी इच्छाओं की भी संपूर्ति यहाँ पर निश्चित रूप से होगी। इसी तर्ज पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनता जन्मा मंदाकिनी में स्नान करें, मद्गेन्द्रनाथ जी का जलाभिषेक है, कान्हा जी की प्रदर्शन कर रहे हैं। यह आज जो है योगी जी ने यह समस्त हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता जनार्दन की श्रद्धा को समझते हुए, उनके भावों को जानते हुए, और यहाँ पर उनके ऊपर, भक्तों के ऊपर, जनता जनार्दन के ऊपर पुष्प वर्षा का भी कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आयोजित किया गया है, जो बहुत ही सुंदर है। और ऐसा दुर्लभ संयोग, चार चार संयोग कदाचित कभी कभी बहुत दिनों के बाद पश्चात ये संयोग आया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। करीब करीब 15-20 लाख से ऊपर
जनता जनार्दन श्रद्धालु यहाँ पर आकर के और माँ मंदाकिनी में स्नान करेंगे और पावन मदगिरनाथ जी का अभिषेक प्रदक्षिणा का आदि कार्यक्रम यहाँ पर श्रद्धालु जनता जनार्दन करेंगे, जो बहुत ही दुर्लभ संयोग के समय आया। ऐतिहासिक निर्णय लेकर के आज इस वर्षा करने का काम किया है, इसके लिए मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और यहाँ पर चित्रकूट पर आए सभी श्रद्धालुओं को सादर स्वागत अभिनंदन वंदन है। जो भी यहाँ पर दुनिया के तमाम क्षेत्रों से, देश के तमाम क्षेत्रों से जो श्रद्धालु आए हैं, उनका चित्रकूट की पावन धरती पर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, उनको सादर प्रणाम है, नमन है। उत्तर प्रदेश की सरकार उनको कुछ वर्षा करके उनका स्वागत अभिनंदन वंदन कर रही है। चित्रकूट की पावन धरा पर उनका सबका स्वागत अभिनंदन वंदन है। महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। मध्यवेन्द्र सरकार को प्रणाम, शांताना सरकार की जय। न्यूज 11 इंडिया टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इनेस कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल, आपके क्षेत्र का जाना पहचाना विश्वसनीय एवं आधुनिक पैथ लैब। इनेस कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल, हमारा पता है कवि रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी के सामने वाली गली में, हनुमान मंदिर के पास पहाड़ी में है। पहचान चिन्ह हमारा पीपल का पेड़ है। आप अपने निवास स्थान पर हैं, जहां पर आधुनिक मशीनों द्वारा खून, मलमूत्र, वीर्य, बलगम, हार्मोन्स एवं कल्चर की जांच की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है कवि रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी के सामने वाली गली में, हनुमान मंदिर के पास पहाड़ी में है। पहचान चिन्ह हमारा पीपल का पेड़ है। आप अपने निवास स्थान पर हैं। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल।